दोस्तों, हमारे टीवी जगत में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो हर एक किरदार को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारती हैं। चाहे बात हो एक संस्कारी बहू की या बात हो एक प्यारी सी ननद भाभी की, ये सभी रिश्तों को काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारना जानती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पर्दे पर बखूबी से हर किरदार को निभाने वाली अभिनेत्रियां रियल लाइफ में अपनी भाभियों और ननदों के साथ काफी अच्छा रिश्ता बनाए रखती हैं और उन सभी पर जान छिड़कती हैं। वहीं उनकी भाभी और ननद भी इनके साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी इस प्यारे से रिश्ते से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही इन खूबसूरत अभिनेत्रियों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, सरगुन मेहता। टीवी के कई पॉपुलर शो में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से लोगों को कायल करने वाली सरगुन मेहता आज टीवी जगत के साथ साथ पंजाबी सिनेमा का भी एक पॉपुलर चेहरा मानी जाती हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी भाभी के बारे में, तो इनकी भाभी का नाम चारू है, जो कि पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं और लाइमलाइट भरी चकाचौंध से काफी दूर रहती हैं। आपको बता दें, इन दोनों ननद भाभी का रिश्ता इतना खास है कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाना पसंद नहीं करती और हर बात एक दूसरे से शेयर करती हैं। इसके अलावा दोनों के रिश्ते में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि दोनों को एक साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर शेयर करते हुए भी देखा जाता है। नंबर 4, दिव्यांका त्रिपाठी। स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला का किरदार निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने को स्टार विवेक दाहिया से साल 2016 में शादी की थी और विवेक दाहिया की एक बहन है जिनका नाम है रिया दाहिया। तो इसी नाते रिया दाहिया रिश्ते में दिव्यांका की ननंद हुई। आपको बता दें, इन दोनों ननंद भाभी का रिश्ता काफी अच्छा है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा स्पॉट की जाती हैं और एक दूसरे की सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करती रहती हैं, जहां इन फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि दोनों ननंद भाभी के रिश्ते में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके ननंद प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नंबर 3, अनीता हंसनंदानी। ये है मोहब्बतें और नागिन जैसा सुपर नेचुरल शो में अपनी बेहतरीन अदाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री अनीता हसनंदानी आज टीवी जगत का एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। लेकिन बात करें इनकी ननद के बारे में, तो अनीता हसनंदानी ने बिजनेसमैन रोहित रेड्डी से शादी की थी, जिनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम वरुषिका मेहता है। आपको बता दें कि इनकी ननद भी इन्हीं की तरह टीवी की एक पॉपुलर अभिनेत्री है, जिन्होंने तेरी गलियां सीरियल में पुचकी का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि इन दोनों ननद भाभी का रिश्ता काफी खास है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के कारण दोनों की खूब जमती है। नंबर 2, दीपिका कक्कड़। कलर्स के पारिवारिक ड्रामा शो ससुराल सिमर का में सिमर का किरदार निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने अपने को स्टार शोएब इब्राहिम से शादी की थी, जिनकी एक छोटी बहन है सबा इब्राहिम। तो इस नाते सबा इब्राहिम दीपिका कक्कड़ की रिश्ते में ननद लगती हैं। अगर बात करें दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं और हर सिचुएशन में एक दूसरे के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। तो इसीलिए इन ननद भाभी का रिश्ता काफी खास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके ननंद पेशे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। नंबर 1, दृष्टि धामी। कलर्स के लोकप्रिय शो मधुबाला में मधुबाला के किरदार से फेमस हुई अभिनेत्री दृष्टि धामी अपने इस किरदार के साथ घरेलू नाम बन गई थी और इसी किरदार के साथ इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन अगर बात करें इनकी भाभी के बारे में, तो इनकी भाभी का नाम सुहासी धामी है, जिन्होंने इनके भाई जयशील से शादी की है। अगर बात करें दोनों ननंद भाभी के रिश्ते के बारे में, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ननंद भाभी की तरह नहीं, बिल्कुल बहनों की तरह ही रहती हैं और इनका ये प्यार हमेशा हमें तस्वीरों में भी देखने को मिलता है और साथ में ये सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। इनकी भाभी सुहासी धामी भी एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने आपके आ जाने से और यहाँ में घर घर खेली जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया है। तो दोस्तों, आपको इन ननंद भाभी की जोड़ी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत की ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।